हम मिक्स मेथड डिज़ाइंस की गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं और एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशल मेथड देखिए अब मैंने इसमें जो लफ्स है सीक्वेंशल सीक्वेंशल मेथड्स एक से ज़्यादा हैं सीक्वेंस है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का तो ये जो एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइंस है मिक्स मेथड के इसमें सीक्वेंस इसका ये है कि पहले आप क्वांटिटेटिव रिसर्च वाला कंपोनेंट यानी उसकी रिसर्च की क्वांटिटेटिव फ़ेज़ पूरी करते हैं और फिर उसके ख़त्म होने के बाद फॉलोअप में आप उसकी क्वालिटेटिव फेज़ करते हैं इसको एक्सप्लेनेटरी इसलिए कहते हैं कि आप क्वांटिटेटिव फ़ेज़ से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं एनालाइज करते हैं उसको बुनियाद बनाते हुए फिर आप उसमें से एक फर्दर एक्सप्लेनेशन uh, के लिए उसका एक क्वालिटेटिव कम्पोनेंट अलहदा करते हैं और फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को आपस में इस्तेमाल करते हुए अपने रिसर्च प्रॉब्लम को या अपने रिसर्च क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जी सो so ये जब भी आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे क्वांटिटेटिव एंड देन क्वालिटेटिव और आप अमूमन लफ्ज़ आपने सुने होंगे क्वाल क्वांटिटेटिव को मुख्तर करके लोग क्वांट कह लेते हैं और क्वालिटेटिव को मुख्तर करके क्वाल कह लेते हैं सो एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन बेसिकली क्वांट क्वाल कहलाता है क्वांटिटेटिव पहले और फिर क्वाल उसके बाद फॉलोड बाय क्वालिटेटिव मेथड्स अगर मैं इसकी फेजेस को स्टडी करूं तो देखिए पहली फेज फिर इसकी क्वांटिटेटिव हो गई क्वांटिटेटिव फेज में क्या होता है रिसर्चर जो है वो एक रेलिटिवली लार्जर सैम्पल से डाटा इकट्ठा करता है क्वालिटेटिव डेटा अमूमन आप सर्वे के जरिए से या आप क्वेश्चन के जरिए से लोगों से इकट्ठा करते हैं और एक लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल से ये डाटा कलेक्ट करते हैं एक्सप्लेनेटरी डिजाइन की जरूरत कब पड़ती है जब मैं लार्ज स्केल पे डाटा इकट्ठा करके उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ जैसे भी वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंस के हैं रिलेशनशिप के हैं डिस्क्रिप्टिव के हैं उन तरह का किसी भी तरह का जो सूटेबल एनालिसिस था मैंने कर लिया उस एनालिसिस में आने वाली कुछ क्वेश्चन या कुछ आप कह लीजिए क्वेंच या थर्स थर्स्ट रह जाती है कि अच्छा यार इस बात को फर्दर देखना चाहिए था ये क्वांटिटेटिव डाटा से जो फाइंडिंग्स आई हैं इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं विच रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सप्लेन देम प्रॉपरली जब मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई तो फिर मैंने इसका क्वालिटेटिव पार्ट शुरू किया यानी उस लार्जर सैम्पल में से फिर एक सिलेक्टेड सैंपल ले लिया सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ले लिए जो कि उस पैटर्न ऑफ डेटा या जो मूमी पैटर्न है एनालिसिस का उससे हट के बिहेव कर रहे थे तो मैंने देखा उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन लूँगा तो इस बात की समझ आएगी तो मैंने उसका क्वालिटेटिव फ़ेज़ शुरू किया क्वालिटेटिव फ़ेज़ में आप साफ जा रहे आप टूल्स वो वाले इस्तेमाल नहीं करते जो आप उसके लार्जर फ़ेज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या क्वांटिटेटिव फ़ेज़ में अब यहाँ पे आप इंटरव्यू कर सकते हैं उनके साथ कोई डिस्कशंस रख सकते हैं आप उनके साथ कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कॉन्टेक्ट में जाके अब आपके पास डेटा टूल्स जो हैं वो इस तरह के आ गया आप फोकस ग्रुप कंडक्ट कर सकते हैं उनके साथ सो so, अब आप कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक डेटा इकट्ठा करते हैं उन पार्टिसिपेंट से जिनको आपने उस रूटीन से अलहदा पार्टिसिपेंट समझा अपने करेक्टरिस्टिक्स में दूसरों से डिफरेंट पाया तो उनसे जाके आपने इन्फॉर्मेशन ली और फिर साफ है जो इन्फॉर्मेशन इन टूल्स के ज़रिए आती है उसका एनालिसिस भी फिर आप क्वालिटेटिव टेक्निक से करते हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या थी आप उस डेटे में से थीम्स सेंथिसाइज कर लेते हैं उन थीम्स के आगे फिर पैटर्न्स देख लेते हैं लोगों की इनसाइट्स को एनालाइज कर लेते हैं सो so आप सेकंड फेज में आपने पहले क्वांटिटेटिव लिया उसका एनालिसिस किया उसकी बेस पे कुछ पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई किए उनसे फिर क्वालिटेटिव डेटा लिया उसको एनालाइज कर लिया अब आप इन दो तरीक़ों से एनालिसिस किए हुए फाइंडिंग्स जो हैं उनकी आपस में इंटीग्रेशन करते हैं उनका सिंथेसिस बनाते हैं और वो इंटीग्रेशन किस बेस पे होती है दोनों की फाइंडिंग्स को आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखते हैं उन क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के ज़रिए हासिल किए हुए नतज जो हैं आप उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर या कंट्रास्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इन में से कौन सी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कौन सी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो आप जिस सीक्वेंस में एनालिसिस रन किया होता है उसी सीक्वेंस में आप उनको फिर एक दूसरे से सिंक करने की कोशिश करते हैं जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यानी फाइंडिंग्स में जो कन्वर्जेंस है और जिस जिस जगह वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैंदा होती हैं आप उन पे अपनी कमेंट्री लिखते हैं अपने नतज या आप जो उससे अखज़ कर रहे होते हैं वो आप बयान करते हैं और यही आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं जो आपके कन्वर्जेंस यानी जो ऐसी फाइंडिंग्स जो एक दूसरे से मिलती हैं आप उनके बारे में अपने कंक्लूजन्स और जो एक दूसरे से डाइवर्जेंट हैं उनके बारे में अपने कंकलूजन्स ड्रा करके एक रिपोर्ट तरतीब देते हैं जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम को बेहतर समझने में हेल्प करती है रीडर को तो so, ये जो प्रोसेस जब आप फॉलो करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और फिर इस दोनों से हासिल किए हुए नतज को सिंथेसाइज करना इंटीग्रेट करना तो हम कहेंगे कि आपने एक्सप्लेनेटरी सीकुनशल डिज़ाइन जो है वो या मेथड जो है वो इस्तेमाल किया और ये मिक्स मेथड में इस्तेमाल होने वाले डिज़ाइंस में से उन चंद में से है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं